औरंगा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे अजमल बाबरपुर। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना भी जीती वाले नकली है और झूठे वादे करते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट, किसान आए दुगनी नहीं बल्कि किसान बर्बाद हुआ। अखिलेश यादव महिला उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही। सीएम योगी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, क्या बात रहेंगी लैपटॉप, हमने सबको दिए लैपटॉप। अखिलेश बेरोजगार युवा इस सरकार को बदलने जा रहा है। ये परस्त कर देगा उनको जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन को अखाड़ा बताया राजनीति का। ये किसान नौजवान माताएं बहने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अखिलेश जी, प्रदेश सरकार 4 साल पूरे कर रही है, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना विकास हुआ, क्या किया इन्होंने 4 साल? 4 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और 5 बजट और दिल्ली के बजट मिला लो तो अभी तक इन्होंने अपना संकल्प तो नहीं पलटा है। जो जनता को वादे किए थे आप उनका संकल्प निकालिए और 5 बजट पूरे हो गए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब चुनाव शुरू हुआ था हमने ये जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र रखा था, ये संकल्प हमारा था, इस पर हमें काम करना था, हमने इतना काम पूरा कर दिया है और इतना काम हमसे छूट गया है। कम से कम वो बताएं जनता है। अभी तक उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, और कोई उत्तर प्रदेश में आता है तो पता लगा उसका नाम बदल जाता है। अगर आप लखनऊ गए मुख्यमंत्री जी ने पहचान लिया आपका नाम बदल गया कि भेजने की जाओ रही है, ये नाम हो गया आपका। एक सवाल, जाओगे लखनऊ नाम बदलवाने जाओगे? समाजवादी पार्टी का चुनाव विधान, आप लोग पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वही जिला पंचायत की भी चुनाव, किस तरीके समाजवादी पार्टी ये, ये जो पंचायत के चुनाव है ये जनता के बहुत लोकल चुनाव है। हमारा संगठन पार्टी का जिले का विधानसभा का ये राय और सुझाव दे देगा, उस हिसाब से पार्टी फैसला लेगा। अध्यक्ष जी, जब आप मंदिर जाते हैं तो बीजेपी वाले आपको राजनीति के चश्मे से देखते हैं, तो क्या ये सही है आपका मानना उनका? भारतीय जनता पार्टी नकली लोग हैं। हमारे गांव में देखा ये नेताजी किस जमाने से वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, नेताजी जंगल में जाते हैं हनुमान जी के बिना पूजा किए नहीं जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लैपटॉप पर नहीं बात करना चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो काम नौकरी रोजगार पर नहीं काम करना चाहते। और अगर आप सच लिख दोगे तो जानते हो धारा कौन सी लगेगी आप। जी एक सवाल और है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि या तो गुंडे जेल में है या प्रदेश छोड़ दो, मानते गुंडा खत्म? पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं लूट और कम से कम मुख्यमंत्री जी को अपने जिले की समीक्षा करनी चाहिए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर विपक्ष पे आप और सरकार सवाल पूछती है तो आप समीक्षा कर करके अखबारों में छापते हैं कि मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में कितनी घटनाएं हो रही है, इतनी दर्दनाक घटना है। आज भी जब हम आपसे मिलने आए हैं तो कई घटनाएं ऐसी बताई हैं जिनकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। 3 साल के बच्चे के साथ क्या घटना हुई अभी चल रहा है, कोई खबर छिप नहीं सकती। आप जरा गूगल पे देखिए, जानकारी करिए, गोरखपुर का क्या हाल है, लखनऊ का क्या हाल है, यहाँ पर फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और जो दावा करते हैं आखिरकार मुख्यमंत्री जी बताएं उन पर कौन सी धारा लगी थी, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए, कौन नहीं जानता है। इनको ये भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बहुत ही अहंकार हो गया, इस अहंकार को ठीक करेगी जनता। क्या चाचा जी से भी होगा दल है ना गठबंधन होगा, छोटा दल है तो गठबंधन होगा। धर्म और मुद्दे राजनीति के दो पहलू बन गए, आपकी पार्टी 2022 में चुनाव में क्या साथ लेके चलेगी, धर्म या मुद्दा? आप पता नहीं कौन तुम्हारे व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहा है, कौन पूछवा रहे हो, मैं आपसे बता दूं, मैं आपसे बता दूं समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस दी है और आज भी सड़क पे वही एम्बुलेंस मदद कर रही है गरीब की।
एम्बुलेंस और अच्छी देंगे, ज्यादा संख्या में पाएंगे। पुलिस को और इंतजाम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे जनता को न्याय मिले और समय पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, वो इंतजाम करेंगे। लैपटॉप देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सड़कें अच्छी बनाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक्सप्रेस वे वही बना रहे हैं जो समाजवादियों ने आगे बढ़ाए थे, और इटावा से इतनी नफरत थी उन्हें, औरैया से इतनी नफरत थी कि इटावा का नक्शा ही नहीं जानते थे, औरैया का नक्शा नहीं जानते थे। पता लगा बुंदेलखंड से एक्सप्रेस वे औरैया इटावा होकर के जा रहा है।